हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू लेक्चर दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम सीबीसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं आज के लेक्चर में हम इस टेस्ट को कवर करेंगे देखिए सीबीसी टेस्ट जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है इस सी टेस्ट में होता क्या है क्या देखा जाता है देखिए आपके ब्लड में जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स इन कॉम्पोनेंट्स की क्वालिटी और क्वान्टिटी को मेजर किया जाता है इस टेस्ट में ओके जितने भी आपके ब्लड में कॉम्पोनेंट्स हैं उनका साइज शेप उनका जो कंसंट्रेशन है उसको चेक किया जाता है इस टेस्ट में तो किसी भी मेडिकल कंडीशन को चेक करने के लिए एक डॉक्टर जो है सीबीसी टेस्ट लिखता है ये बहुत ही रूटीन टेस्ट होता है सी टेस्ट की रिपोर्ट में जो जो पैरामीटर्स आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं वो है हीमोग्लोबिन टीएलसी काउंट डीएलसी काउंट आरबीसी काउंट पीसीवी एमसीवी एमसीएच एम प्लेटलेट आरडीडब्ल्यू एमपीवी पीडीडब्ल्यू और पीसीटी तो सीबीसी के इन सभी पैरामीटर्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एच की हीमोग्लोबिन जिसको कहा जाता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है कैसे देखिए जो भी हम ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक टिश्यू तक लेके जाता है ओके साथ ही साथ सेल्स में टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हीमोग्लोबिन कैरी करता है और लंग्स तक लेके आता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होता है क्या मेन फंक्शन है उसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ओके तो अगर हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक मेल में हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 13 से 16 एम पर डेसीलीटर होती है और फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 से लेके 15 एम पर डेसीलीटर तक बट अगर मेल में 17 एम जी पर डेसीटर से ज़्यादा और फीमेल्स में 16 एम जी पर डेसी से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की रेंज हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर किसी मेल में 12 एम जी पर डेसीटर से कम और फीमेल में 11 एम जी पर डेसी से कम हीमोग्लोबिन हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनिमिया ये जो रेंज मैं आपको बता रही हूँ और आगे जो बताऊंगी आपको नॉर्मल रेंजेज़ ये आपको अलग अलग जगह पे थोड़ी बहुत चेंज मिल सकती है क्योंकि ये लैब टू लैब वेरी करती है ओके फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारा हीमोग्लोबिन जिसको हमने कंप्लीट किया सेकंड जो पैरामीटर है वो है टी टोटल यूकोसाइड काउंट जिनको डब्ल्यू काउंट भी कहा जाता है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के गार्ड होते हैं कैसे जो भी बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में जाके इन्फेक्श डिज़ीज़ कॉज करते हैं उनसे ही डब्ल्यू हमको प्रोटेक्ट करता है और हमें बीमार होने से बचाता है ओके okay, अगर हम डब्ल्यू uh, के नॉर्मल काउंट की बात करें तो एक एडल्ट में इसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है और टू टू सिक्स इयर्स के बच्चों में 5000 से लेके 19000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इसकी नॉर्मल रेंज होती है और न्यूबॉर्न्स में डब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो नाइन से थर्टी सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है बट कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें इन डब्ल्यू का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा अप या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है ओके okay, तो कुछ टर्म्स हैं जो हम देखेंगे जैसे कि अगर डब्लू काउंट का जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ तो अगर आपकी सी की रिपोर्ट में डब्ल्यू काउंट चार सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया ओके okay. वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं अगर आ, कोई पेशेंट कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहा है या फिर एप्लास्टिक एनीमे के कंडीशन में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है कोई इन्फेक्शस डिजीज है जैसे कि एच आई वी एड्स ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर माल न्यूट्रीशन है तो ऐसे में आपको ल्यूकोपीनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है वहीं इसके अपोजिट अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यू काउंट जो है वो 11,000 सेल से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस कॉजेज़ क्या है अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है किसी तरीके का आप ल्यूकीमिया हैं या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन है स्मोकिंग है कर रहे हैं आप बर्न है इंजरी हुई है या फिर बोन मैरो में ट्यूमर है तो ऐसे में आपको ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है बट अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यू काउंट जो है वो चार हजार से ग्यारह हज़ार के बीच में है तो ये नॉर्मल माना जाता है तो अभी जो हमने पैरामीटर कवर किया वो है टी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट थर्ड जो पैरामीटर है वो है डी काउंट यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो डब्ल्यू होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज और फॉरन पार्टिकल से तो ये जो डब्ल्यू होते हैं ये मेन फाइव टाइप्स के होते हैं न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट मोनोसाइट ईस्नोफिल और बेसोफिल तो ये पांचों जो है ये डब्ल्यू के ही टाइप होते हैं और ये पांचों जो है हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं ओके ये पाँचों जो है ये हमें इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाते हैं लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है इनका जो रोल है रिस्पॉन्ड करने का वो डिफरेंट होता है कैसे कोई डब्ल्यू क्या करेगा केमिकल रिलीज़ करके बैक्टीरिया को किल करेगा कोई डब्ल्यू क्या करेगा दूसरे डब्ल्यू को सिग्नल देके अलर्ट करेगा कि तू भी जा और इन्फेक्शन से फ़ाइट कर कोई डब्ल्यू बी सी क्या करेगा एंजाइम रिलीज़ करके पैथोजेंस को किल करेगा कोई डब्ल्यू बी सी क्या करेगा एंटीबॉडी बनाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प मिल सके तो पाँचों डब्ल्यूबीसी बी सी का फंक्शन तो सेम है सारे डब्ल्यू बी सी क्या कर रहे हैं इन्फेक्शन से ही फ़ाइट कर रहे हैं बट सबका जो रोल है रिस्पॉन्ड करने का वो डिफ़रेंट है और इन पाँचों डब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो भी अलग अलग होती है तो हम इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में ही पढ़ेंगे और इनकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में भी जानेंगे ठीक है तो सबसे पहला जो डब्ल्यू बी का टाइप है वो है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफ़िल का फंक्शन क्या होता है कि ये केमिकल को रिलीज़ करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है या फिर उसको पूरा डिस्ट्रॉय ही कर देता है ठीक है न्यूट्रोफिल जो होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 40% से 70% परसेंट ऑफ ऑल डब्ल्यू बी सी इन द ब्लड स्ट्रीम ये मैं आपको परसेंटेज में नॉर्मल रेंज बता रही हूँ 40 से 70% परसेंट इसकी नॉर्मल रेंज होती है कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए जैसे कि अगर न्यूट्रोफिल का काउंट 70% से ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोफ़ीलिया कॉजेज़ क्या क्या है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इंजरी हुई है स्मोकिंग करता है या फिर इन्फ्लामेशन है सीवियर एक्सरसाइज किया है या फिर स्ट्रॉयड का यूज़ करते हैं तो ऐसे में न्यूट्रोफिलिया की कंडीशन देखने को मिलती है ओके okay? सेकेंड जो टर्म है वो है न्यूट्रोपीनिया अगर न्यूट्रोफिल का काउंट 40% से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स की कमी हो गई है कॉजेज़ क्या क्या है अगर पेशेंट को एच एड्स है एप्लास्टिक एनीमिया है बोन मैरो फेल हो गया है ओके कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहे हैं और ल्यूकेमिया में आपको न्यूट्रोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है ओके आ, तो ये था न्यूट्रोफिल्स के बारे में सेकेंड जो टाइप है डब्ल्यू का वो है लिम्फोसाइट इसका फंक्शन क्या होता है जो भी सेल्स वायरसेस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन सेल्स को ये लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय कर देता है साथ ही साथ ये जो सेल होता है लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी uh, का भी प्रोटेक्शन करता है ओके okay? इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो ट्वेंटी से फोर्टी परसेंट होती है अगर ट्वेंटी परसेंट से कम लिफोसाइट हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया ओके कॉजिज़ क्या क्या हैं अगर पेशेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है रेडियेशन्स ले रहा है एच एड्स है वायरल हेपेटाइटिस है ओके कोई ब्लड डिजीज़ है जैसे कि हॉटकिंग डिजीज़ है ऑटोम्यून डिजीज़ है जैसे कि ल्यूपस वगैरह ओके या फिर स्ट्रॉइड का यूज़ करता है तो ऐसे में लिम्फोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है और अगर लिम्फोसाइट की जो रेंज है वो आ, 40 परसेंट से ज़्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस कॉजेज़ क्या क्या हैं अगर वायरल इन्फेक्शन है साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन है या फिर ब्लड का कैंसर हो रखा है और मोनोन्यूक्लोसिस की कंडीशन में भी लिम्फोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता है थर्ड जो टाइप है डब्ल्यू का वो है यूसनोफिल्स यूसनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है यूसनोफिल्स अपने ग्रैनुल्स से केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और एलर्जेंस को और पैरासाइट को डिसेबल कर देते हैं ठीक है जिससे वो किल हो जाते हैं इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है यूसनोफिल्स की वो टू टू सिक्स परसेंट होती है ओके अगर यूसनोफिल्स जो है वो सिक्स परसेंट से ज़्यादा प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूसनोफीलिया कॉजेज क्या क्या होते हैं अस्थमा की कंडीशन में ऑटो इम्यून डिजीज है हे फीवर है पैरासिटिक इन्फेक्शन है या फिर स्किन डिसऑर्डर है तो ऐसी कंडीशन में यूसनोफिल्स का जो परसेंटेज है वो हाई हो जाता है वहीं अगर यूसनोफिल्स जो है वो टू से कम प्रजेंट है आपके ब्लड में तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूसनोपिनिया कॉजेज़ क्या क्या है कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में सेप्सिस की कंडीशन में और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में यूसनोपिनियाँ आपको देखने को मिलता है ओके okay? फोर्थ जो टाइप है डब्लू बी का वो है मोनोसाइट इसका फंक्शन क्या होता है ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में रह के भी जो है पैथोजेंस को किल करते हैं साथ ही साथ क्या करते हैं ये टिश्यूज़ में भी चले जाते हैं टिश्यूज़ में जाके वहाँ पे भी ये पैथोजेंस को किल करते हैं उनको खाकर ओके okay, फैकोसाइट करते हैं साथ ही साथ ये जो मोनोसाइट होते हैं ये दूसरे सेल्स uh, को भी दूसरे डब्ल्यू को भी अलर्ट uh, करते हैं एक्टिवेट करते हैं कि तुम भी आओ और उस जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है और फाइट करो ओके okay, और इन्फेक्शन से लड़ो मोनोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो टू टू टेन परसेंट होती है अगर 10% परसेंट से ज़्यादा मोनोसाइट्स प्रेजेंट हैं ब्लड स्ट्रीम में तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस कॉजि क्या क्या है बैक्टीरियल वायरल और फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में इनकी रेंज बढ़ जाती है या फिर अगर ऑटोमिन डिसऑर्डर है जैसे कि ल्यूपस ओके ट्यूब्यकलॉसिस की okay, कंडीशन में या फिर इन्फ्लामेट्री बाउल डिजीज़ है तो ऐसी कंडीशन में आपको मोनोसाइटोसिस देखने को मिलता है आ, और दूसरी तरफ अगर मोनोसाइट्स का जो परसेंटेज है वो टू परसेंट से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोपीनिया कॉजेस क्या क्या है अगर पेशेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है रेडिएशन वगैरह ले रहा है या फिर बोन मैरो में डिसऑर्डर है एच एड्स है या फिर सेप्सिस हैं तो ऐसे में आपको मोनोसाइटोपीनिया की कंडीशन देखने को मिलती है फिफ्थ जो टाइप है डब्ल्यू का वो है बेसोफिल्स बेसोफिल्स भी क्या करते हैं पैथोजेंस एलर्जेंस और पैरासाइट्स को किल करते हैं कैसे बेसोफिल्स के जो ग्रैनुल्स होते हैं वो हिस्टामिन और हिपेरन रिलीज करते हैं हिस्टामिन क्या करता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यू उस साइड पर जा सके जहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है जहाँ पर फाइटिंग चल रही है इसी के साथ साथ बेसोफिल्स जो है वो हिपेरन भी रिलीज़ करते हैं जिससे ब्लड क्लॉट ना हो क्योंकि ब्लड क्लॉट होगा तो सारे डब्ल्यू चिपक जाएंगे ठीक है फ्लो में वो सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे ओके तो ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए बेसोफिल्स जो है वो हिपैरन रिलीज करते हैं बेसोफिल्स का जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 से 1 परसेंट होता है अगर 1 परसेंट से ज़्यादा बेसोफिल्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोफीलिया कॉज़ क्या क्या है लूकीमिया की कंडीशन में और ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपको बेसोफीलिया की कंडीशन देखने को मिलती है और अगर बेसोफिल्स 0.5 परसेंट से कम प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोपिनिया काजेस क्या क्या है एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन में हाइपर की कंडीशन में और कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहे हैं तो ऐसे में बेसोपिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है ओके okay, ये जो अभी हमने कवर किया ये था डीएलसी काउंट डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मैंने जो अभी आपको डीएलसी uh, की नॉर्मल रेंजेस बताई थी वो थी परसेंटेज में और ये है सभी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का एप्सुलिट काउंट इनकी ये है नॉर्मल रेंजेस एप्सुलट काउंट में इसे आप निकालेंगे कैसे देखिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा न्यूट्रोफिल जो है 50 परसेंट है ओके okay, और टोटल डब्ल्यू काउंट जो है वो है छः तो जो पर्टिकुलर डब्ल्यू काउंट है परसेंटेज में उसको टोटल डब्लू से मल्टीप्लाई uh, कर देना है ओके okay? तो आपका जो एप्सोलट काउंट है वो निकल के आ जाएगा ये है इसका कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन से आप पर्टिकुलर डब्ल्यू काउंट का एप्सोलूट काउंट जो है वो निकाल सकते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आर काउंट जिसको रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि आर ये एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है ये आर का ही एक पार्ट होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था ओके okay? कैसे जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यू तक लेके जाता है वहीं साथ साथ सेल्स टिश्यूज़ में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है और वापस से लंग्स में लेके आता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं तो ये है हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ओके और ये हीमोग्लोबिन आर के अंदर प्रेजेंट होता है आर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो मेल और फीमेल्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती है मेल में होती है 4.5 से लेके 6.0 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और फीमेल्स में इसकी रेंज होती है 4.2 से लेके 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड अगर रेड ब्लड सेल की जो रेंज है वो नॉर्मल से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपीनिया कोजेज क्या क्या है अगर मल्टीपल माइलोमा है थायराइड डिसऑर्डर्स हैं माल न्यूट्रिशन है आयरन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी है या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो ऐसे में इरेथ्रोसाइटो पीने की कंडीशन देखने को मिलती है वहीं अगर रेड ब्लड सेल की जो रेंज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है काफ़ी तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरेथ्रोसाइटोसिज ओके कॉजेज़ क्या क्या है अब डिहाइड्रेशन है किडनी में ट्यूमर है लंग्स डिजीज़ है या फिर पॉलिसाइथीमिया वेरा में तो ऐसे में आपको इरेथ्रोसाइटोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है तो ये था आर काउंट के बारे में नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हिमाटोक्रिट जिसको हम पी यानी कि पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं ये हमें यह बताता है कि हमारे होल ब्लड में आर का जो परसेंटेज है वो कितना है आपने ब्लड कॉम्पोजिशन में पढ़ा होगा कि जो ब्लड है उसमें एक फ्लूड पार्ट प्रेजेंट होता है और एक सेलुलर पार्ट प्रेजेंट होता है फ्लूड पार्ट जिसमें प्लाज्मा आता है और वो 55 फाइव परसेंट प्रजेंट होता है और सेलुलर पार्ट जिसमें पेटलेट डब्ल्यू और आर आते हैं और वो 45 फाइव परसेंट प्रजेंट होते हैं तो सी की रिपोर्ट में पी यही बताता है कि आपके होल ब्लड में जो सेलुलर पार्ट है मेनली आर वो कितने परसेंटेज में प्रजेंट है तो एक मेल में पैक सेल वॉल्यूम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 41 से 50 परसेंट होती है और फीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 36 से 48 परसेंट तक अगर आपकी सी की रिपोर्ट में जो एम है वो लो है तो ये अनेमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है जैसे कि सीकल सेल अनिमिया आयरन डेफिशंसी अनिमिया फॉलिट लेवल कम है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी है या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर है और अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीवी जो है वो हाई है नॉर्मल से तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है पॉलिसाइथीमिया है डिहाइड्रेशन है अगर लंग डिजीज़ है हार्ट डिजीज़ है तो ऐसे में आपका जो हिमैटोक्रेट है वो हाई रहता है नेक्स्ट पैरामीटर है एमसीवी जिसको मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम भी कहते हैं एम सी ये बताता है कि आपके ईच रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज कितना है ओके ये है एम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 80 से 100 फैमटोलीटर होती है अगर एम की जो रेंज है वो नॉर्मल है इसका मतलब कि जो आर बी सी है वो नॉर्मल साइज़ के हैं यानी नॉर्मोसाइट्स हैं और अगर एम सी वी लो है यानी कि एट्टी फैमटोलीटर से कम है एम सी वी की वैल्यू इसका मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज़ बहुत छोटा है वो माइक्रोसाइट्स हैं तो ये जो है मेनली आयरन डेफिशंसी एनीमिया की कंडीशन में और थैलेसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है और अगर आपकी एम सी वी की जो वैल्यू है वो हाई है कि 100 फैमटोलीटर से ज्यादा है तो ऐसे में आपके आर का जो साइज है वो नॉर्मल से बहुत बड़ा है यानी कि मैक्रोसाइट है वो ओके तो ये जो है बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में आपको एम जो है हाई देखने को मिलता है नेक्स्ट पैरामीटर है एम जिसको मीन सेल हीमोग्लोबिन या फिर मीन कॉर्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन के नाम से भी हम जानते हैं एम जो होता है ये बताता है कि आपके एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है ओके okay? एक आर के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये एम बताता है एम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है स्क्रीन पे. एम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 27 से 33 पिकोग्राम पीकोग्राम होती है ओके okay? अगर एम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है उसकी रेंज नॉर्मल से हाई है तो ये विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है और अगर एम की जो रेंज है वो नॉर्मल से कम है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमे की कंडीशन में देखने को मिलता है नेक्स्ट पैरामीटर है एम जिसको मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कहा जाता है एम हमें ये बताता है कि पूरे पैक डेड सेल में एवरेज हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन कितना है ओके okay. एम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है एम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो थर्टी थ्री से थर्टी फाइव ग्राम पर डेसीलीटर होती है अगर एम लो है तो ये आयरन डेफिशिएंसी डेफिशंसीमे की कंडीशन में देखने को मिलता है और अगर एम हाई है तो ये विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी और लीवर डिजीज की कंडीशन में देखने को मिलता है नेक्स्ट पैरामीटर है प्लेटलेट प्लेटलेट भी ब्लड का ही कॉम्पोनेंट होता है क्या फंक्शन होता है प्लेटलेट का प्लेटलेट जो है ब्लड को क्लॉट करता है और ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करता है कैसे कहीं पे भी अगर हमारे हाथ पे या कहीं पे बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से खून निकलने लगता है ब्लीडिंग होने लगती है लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है किसकी वजह से प्लेटलेट की वजह से प्लेटलेट जो है उस जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे इंजरी साइड पे आते हैं और ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो लॉस ना हो प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है अगर प्लेटलेट डेढ़ लाख से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ऐसे में एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी होने लगती है और कॉजेज क्या क्या हैं और अगर बोन मैरो में डिसऑर्डर है या फिर कोई वायरसेज की वजह से जैसे कि डेंगू चिकन पॉक्स मम्स की वजह से आ, ऐसे में जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है अगर किसी को एड्स है तो ऐसे में भी जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है हेरिडिटरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है और एप्लास्टिक एप्लास्टिकमे की कंडीशन में भी जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाता है ओके okay? वहीं अगर प्लेटलेट काउंट साढ़े चार लाख से ज़्यादा है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉजेज़ क्या क्या है अगर किसी तरीके का आपको कैंसर है जैसे कि लंग्स कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है ओवरियन कैंसर है लिम्फोमा है तो ऐसे में प्लेटलेट काउंट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है हीमोलिटिक एनीमिया है स्प्लिन जो है वो रिमूव हो चुका है या फिर कोई मेडिसिन जो है वो रिएक्शन कर गई है तो ऐसे में भी प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आर जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ भी कहते हैं सीवीसी की रिपोर्ट में आपको टू टाइप्स के आरडीडब्ल्यू देखने को मिलेंगे एक होगा आरडी सीवी जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन कहा जाता है और दूसरा है आर एस डी जिसको रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है जो आर सीवी होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विथ और मीन सेल साइज़ यानी कि एम दोनों की कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है जिसका कैलकुलेशन होता है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविजन ऑफ़ द मीन सेल साइज़ बाय एम ऑफ़ रेड सेल एंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड टू कन्वर्ट टू अ परसेंट और आर डी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो परसेंटेज में होती है यानी कि 11.5% टू 14.5% तक और जो आर डी डब्ल्यू एस डी होता है वो फैमटोलेटर में आर बी सी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वृथ्थ का एक्चुअल मेजरमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की विर्थ को उस पॉइंट पर मेजर किया जाता है जो बेस लाइन से ट्वेंटी परसेंट ऊपर होता है आर डी डब्ल्यू एच डी को हम फेम्टोलीटर में मेजर करते हैं इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो फोर्टी टू फिफ्टी फाइव फेमटोलीटर होती है तो आर डी डब्ल्यू हमें यही बताता है कि हमारे सर्कुलेशन में आर बी सी के साइज़ में कितना वेरिएशन है आर बी सी का जो नॉर्मल साइज होता है वो सेवन मीटर होता है तो अगर सर्कुलेशन में सारे रेड ब्लड सेल्स सेम साइज़ के होंगे तो आर डी डब्ल्यू भी नॉर्मल होगा ओके okay? बट अगर सर्कुलेशन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है यानी कि कुछ बहुत बड़े हैं साइज़ में कुछ बहुत छोटे हैं साइज़ में तो ऐसे में आर डी डब्ल्यू जो है वो हाई हो जाएगा तो हाई आर डी डब्ल्यू जो है वो मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अनिमिया एनीमिया ओके और लो आर डी डब्ल्यू का कोई मतलब होता नहीं है हम सिर्फ नॉर्मल आर डी डब्ल्यू और हाई आर डी डब्ल्यू को ही देखते हैं देखिए जो आर का साइज है वो मेनली एम और आर डी डब्ल्यू ही बताता है और एम और आर डी डब्ल्यू जो है वो अनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि लो एम और नॉर्मल आर डी डब्ल्यू आपको अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और अल्फ़ा और थैलेसीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है वहीं लो एम और हाई आर डी डब्ल्यू आयरन डेफिशिएंसी अनिमिया और सीकल सेल अनिमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है वहीं हाई एमसीवी और नॉर्मल आर डी डब्ल्यू आपको एप्लास्टिक एनीमिया और क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की कंडीशन में देखने को मिलता है इसके अलावा हाई एम सी वी और हाई आर डी डब्ल्यू विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, फॉलिट लेवल की डेफिशिएंसी और हीमोलिटिक अनिमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है वहीं हाई आर डी डब्ल्यू और नॉर्मल एम सी वी आर एन अनिमिया विटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी और फॉलेट लेवल की डिफिशियंसी में देखने को मिलता है एक चीज़ यहाँ पर याद रहे कि जो एम सी वी होता है वो ईच रेड ब्लड सेल का साइज़ बताता है कि एक आर बी सी का एवरेज साइज कितना है वहीं जो आर डी डब्ल्यू होता है वो ये बताता है कि आपके रेड ब्लड सेल के साइज़ में कितना वेरिएशन है ओके okay. आपके सर्कुलेशन में जो रेड ब्लड सेल है उनके साइज़ में कितना वेरिएशन है कितने बड़े हैं वो कितने छोटे हैं तो ये था आर के बारे में नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है एम यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम तो सी की रिपोर्ट में एम हमें ये बताता है कि आपके प्लेटलेट का एवरेज साइज कितना है जैसे कि एम हमें क्या बता रहा था कि आर का एवरेज साइज कितना है वैसे ही एम ये बताता है कि हमारे प्लेटलेट का एवरेज साइज़ कितना है एम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो सेवन फैमटोलीटर से नाइन फैमटोलीटर तक होती है एम से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो बोन मैरो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है अगर एम हाई है इसका मतलब प्लेटलेट का जो एवरेज साइज़ है वो नॉर्मल से ज़्यादा है प्लेटलेट जो है वो बड़ी है साइज में इसका मतलब बोन मैरो से वो अभी अभी निकल के आई हैं इसलिए वो यंग है इसका मतलब जो बोन मैरो है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है वहीं दूसरी तरफ अगर सीबीसी की रिपोर्ट में एम लो है इसका मतलब कि जो प्लेटलेट का साइज है वो बहुत छोटा है ठीक है और प्लेटलेट जो है वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं छोटे हैं यानी कि ओल्ड हो चुके हैं और बोन मैरो जो है वो काफ़ी टाइम से जो प्लेटलेट है यंग प्लेटलेट है उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और ब्लड सर्कुलेशन में ओल्ड प्लेटलेट ही सर्कुलेट हो रहे हैं तो लो एम पी के क्या क्या हैं अगर एप्लास्टिक अनिमिया है बोन मैरो फेल हो चुका है ऑटो इम्यून डिजीज़ है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन वगैरह ले रहे हैं या फिर अगर आयरन डेफिशंसी अनिमिया है तो ऐसे में एम लो हो जाता है अगर हाई एम है तो क्या क्या काज़ हैं अगर किसी को कैंसर है हाइपोथैराइडिज़म है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है हार्ट डिजीज़ है या फिर हाइपर है तो ऐसे में एमपीवी जो है वो हाई हो जाता है नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पीडीडब्ल्यू, जिसको प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ कहा जाता है पीडीडब्ल्यू हमें ये बताता है कि आपके प्लेटलेट के साइज़ में कितना वेरिएशन है जैसे कि आर डी डब्ल्यू बता रहा था कि आर बी सी के साइज़ में कितना वेरिएशन है कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं साइज़ में वैसे ही जो पी डी डब्ल्यू है वो ये बताता है कि प्लेटलेट के साइज़ में कितना वेरिएशन है प्लेटलेट कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं या उनका साइज़ इक्वल है ये पी डी डब्ल्यू बताता है पी टी डब्ल्यू की जो नॉर्मल रेंज होती है वो एट पॉइंट थ्री से फिफ्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट तक होती है अगर पी डी डब्ल्यू हाई है इसका मतलब प्लेटलेट के साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हाई एम पी वी और हाई पी डी डब्ल्यू जो है वो इन्फ्लामेशन और थायरॉइड मेलेगनेंसी को बताता है इसके अलावा हाई पी डी डब्ल्यू जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अनिमिया इन्फेक्शन और बोन मैरो डिसऑर्डर की कंडीशन में देखने को मिलता है वहीं अगर आर डी डब्ल्यू लो है तो वायरल इन्फेक्शन बोन मैरो डिसऑर्डर या फिर कुछ मेडिकेशन की वजह से भी पी डी डब्ल्यू जो है वो लो हो जाता है नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है पीसीटी यानी कि प्लेटलेट क्रिट सीबीसी के रिपोर्ट में प्लेटलेट क्रिट हमें ये बताता है कि हमारे पूरे होल ब्लड में प्लेटलेट का जो परसेंटेज है वो कितना है जैसे कि जो हिमाटोक्रिट था यानी कि पीसीवी वो ये बता रहा था कि पूरे होल ब्लड में आर का परसेंटेज कितना है ठीक है वैसे ही प्लेटलेट क्रिट क्या बता रहा है कि पूरे होल ब्लड में प्लेटलेट का जो परसेंटेज है वो कितना है यानी कि पूरे होल ब्लड में प्योर प्लेटलेट का प्रपोर्शन कितना है ये प्लेटलेट क्रिट बताता है प्लेटलेट क्रिट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.22 से 0.24 परसेंट तक होती है इससे हमें यह पता लग जाता है कि प्लेटलेट में कोई क्वांटिटेटिव एबनॉर्मिलिटी तो नहीं है अगर सीबीसी की रिपोर्ट में प्लेटलेट क्रिट की वैल्यू हाई है तो वो क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है और अगर सीबीसी की रिपोर्ट में पीसीटी की वैल्यू लो है तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिने की कंडीशन में देखने को मिलता है ओके तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने सीबीसी की रिपोर्ट्स में जो जो मेन मेन पैरामीटर्स आते हैं उनको हमने कवर किया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू